हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवम और आप देख रहे हैं ऑल इन ज्ञान चैनल। तो दोस्तों, अगर आपको फैक्ट जानना पसंद है और अगर आपको मिस्ट्री जानना पसंद है तो आप सही चैनल पर हैं। दोस्तों, अगर आपको आगे से कोई फैक्ट्स चाहिए तो हमें ज़रूर बताएं, और किसी ऊपर के वीडियो चाहिए तो वो भी हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो दुनिया के 14 फैक्ट्स के बारे में है जो आपने शायद ही सुना हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फैक्ट्स। तो हमारे पहले नंबर पर है ऑयस्टर। दोस्तों, ऑयस्टर जिससे हमें मोतियाँ मिलती हैं, दोस्तों आप उसके बारे में कुछ तो जानते ही होंगे, लेकिन आपको क्या ये पता है कि ऑयस्टर अपने लाइफ टाइम में अपना जेंडर कई बार बदल सकता है। तो हमारा दूसरा फैक्ट बटरफ्लाई के बारे में है। बटरफ्लाई जो सबका मन मोह लेती है और बटरफ्लाई जो बहुत ही सुंदर दिखने में लगती है, दोस्तों जब वो उड़ती है तो उससे पहले अपने बॉडी को 74 फारेनहाइट तक गर्म करती है ताकि उसे उड़ने में कोई दिक्कत ना आ सके। तो आज का हमारा तीसरा फैक्ट हिटलर के बारे में है, जिसका पूरा नाम एडोल्फ हिटलर है, जो कि ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे। तो दोस्तों, हिटलर जिसे सबसे क्रूर तानाशाह माना जाता है और इनके नाम करोड़ों मर्डर्स हैं, तो दोस्तों ये बचपन में पुजारी बनना चाहते थे। तो दोस्तों, हमारा चौथा फैक्ट मून डस्ट के बारे में है। दोस्तों, आपने मिट्टी तो सूंघी होगी, बहुत टाइप की मिट्टी आपने सूंघी होगी जिसका स्मेल आपको बहुत अच्छा लगता होगा या कि सौंधी लगती होगी। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि मून डस्ट जो होता है वो एक गन पाउडर का स्मेल देता है। तो हमारा पांचवा फैक्ट है एक अंगूठी के बारे में, जिसे एक महिला को उसके मैरिज एनिवर्सरी पे मिली थी और वो एक दिन गुम गई थी। तो दोस्तों, जब वो फार्म लगा रहे थे और वहाँ से एक कैरेट उगा, तो फिर वो अंगूठी उन्हें उस कैरेट के बीच में मिली। दोस्तों, है ना अमेजिंग। तो हमारा छठा फैक्ट व्हाइट हाउस के बारे में है। जब 1814 में ब्रिटिश ने व्हाइट हाउस को जला दिया था तो इसके वॉल पूरी काली हो गई थी, और जब इसे व्हाइट पेंट किया गया तो इसका नाम पड़ा व्हाइट हाउस। तो हमारा सातवां फैक्ट एक्सरे के बारे में है। दोस्तों, जब एक्सरे का इन्वेंशन हुआ था और जिस साइंटिस्ट ने एक्सरे का इन्वेंशन किया था वो असल में कुछ और कर रहे थे, लेकिन जब उनका हाथ वहाँ पर आया और उनकी बोन दिखने लगी तब उन्हें पता चला ये तो उन्होंने ये इन्वेंशन कर दिया है, और तभी से इसका नाम एक्सरे पड़ गया। एक्स मतलब अननोन और रे मतलब अननोन रे। तो हमारा आठवां फैक्ट सागुआरो कैक्टस के बारे में, जो कि सिर्फ कैलिफोर्निया अमेरिका में मिलते हैं और ये 20 मीटर तक ऊँचे हो सकते हैं और 1 मीटर चौड़े, जिसके वजह से इन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है सबसे ऊँचे और चौड़े कैक्टस होने का। तो हमारा नौवां फैक्ट जिराफ के बारे में है, जो कि 9 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। दोस्तों, जिराफ की टंग यानी कि जीभ इतनी लंबी होती है कि अगर वो चाहे कि अपने जीभ से अपने कान साफ कर ले तो वो साफ कर सकता है। तो आज का हमारा 10वां फैक्ट ब्लू व्हेल के बारे में है। दोस्तों, ब्लू व्हेल ज़्यादा से ज़्यादा 40 टन के हो सकते हैं, यानी कि 40,000 kg। तो दोस्तों, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ब्लू व्हेल कितने बड़े होते हैं। तो आज का हमारा 11वां फैक्ट बैट के बारे में है। दोस्तों, आपको पता होगा कि बैट की हियरिंग सेंस सबसे ज़्यादा होती है और ये अपने प्रे ढूंढने के लिए अपना हियरिंग सेंस इस्तेमाल करते हैं, पर आपको क्या पता है दोस्तों कि बैट जो होते हैं वो 2 ग्राम से भी कम वज़न वाले होते हैं। तो आज का हमारा 12वां फैक्ट एक लिज़र्ड के बारे में है, जिसका नाम है हॉर्न्ड लिज़र्ड। दोस्तों, ये अपने आँख से ब्लड की एक धार छोड़ सकता है जो कि 1 मीटर तक दूर जा सकती है। तो हमारा आज का 13वां फैक्ट एक मेंढक के बारे में, जिसका नाम है मेल डार्विन फ्रॉग। दोस्तों, जब भी फीमेल डार्विन फ्रॉग अंडे देती है तो ये उसे अपने थ्रोट में रख लेते हैं, और जब तक रखते हैं तब तक उसके हैच ना हो जाए, यानी कि जब तक उससे बच्चे बाहर नहीं आ जाते तब तक ये उसे अपने थ्रोट में रखे रहते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा 14वां फैक्ट है शार्क के बारे में। दोस्तों, शार्क्स हर वीक अपने दांत दोबारा से जनवाते हैं, यानी कि आप सोच सकते हो वो हर वीक में उनके दांत नए आ जाते हैं। तो आज का हमारा 15वां और आखिरी फैक्ट है स्टूसेंस श्रू के बारे में, यानी कि स्टूसेंस सुजुंदर। तो दोस्तों, ये श्रूज जो होते हैं वो दुनिया के सबसे हंगेस्ट मैमल होते हैं। दोस्तों, ये कभी खाना छोड़ते ही नहीं, चाहे दिन हो या रात, हर टाइम ये खाते रहते हैं, बस इन्हें वो खाना मिलना चाहिए। और आप इस बात से सोच सकते हो कि ये कितना खाते हैं, ये अपने खुद के वेट से भी ज़्यादा खा जाते हैं एक दिन में। तो दोस्तों, अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, इसी तरह से अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं।